मैं हूँ राधे माँ। दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। भक्तों का ये विशाल हजूम ममतामयी श्री राधे माँ जी के एक दर्शन मात्र के लिए घंटों से खड़ा है। सभी की निगाहें एक टक से ममतामयी श्री राधे माँ जी के इंतजार में लगी हुई है। सभी के लबों पे माता जी के जयकारों से पूरा वातावरण ही राधे माँ में हो उठा। चंद लम्हों में ही राधे माँ जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। उनके दर्शन मात्र से ही सभी भक्तगण भाव विभोर हो उठे। कोई माता जी की आरती कर रहा था तो कोई पुष्प वर्षा से, तो कोई उनके पावन चरणों के दर्शन को ललित दिखा। ममतामयी श्री राधे माँ जी ने सर्वप्रथम सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और दिव्यांगों में ट्राई साइकिल वितरित की। जोर से बोलो जय माता दी। आपको देनी जयकारा राधे मैया दीदा। सब भक्तों से कृपा करने वाली मैया दीदा। बोल सच्चे जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आ गई मैया जय माता दी। कर लो दर्शन जय माता दी। बड़े भी बोलने जयकारा कृपा करने भी बोलने जय माता दी। बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जय माता दी। आ गई मैया जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। अगले भी बोलो अगले भी बोलो जय माता दी। जल्दी क्या कहेंगे आज माता जी ने आपको उपहार स्वरूप ये रिक्शा दिया है। हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को साइकिल दिया इन्होंने, बहुत कृपा हुई इनके। मतलब इसकी जरूरत थी आपको? इसकी जरूरत थी मेरे को, मैं बहुत परेशान थी। चंद दिन को ये रिक्शा मिल रही है। मैं राधे माँ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कृपा से जो है ये रिक्शा मिल रहा है, और गरीबों के लिए और सबके लिए बहुत हेल्प करती हैं। तो इनसे हमने प्रार्थना करी थी कि हमारी मैडम को अपाए जाए, उनको जो है रिक्शा चाहिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये दया और कृपा करी है। हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जैसे और कितने लोगों की मदद की है अभी तक? हमने देखते हैं जी, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, गरीबों की जितने भी आते हैं गरीब, उनकी सबकी सहायता करती हैं, उन सबको बुला बुला के देती हैं उनको, ये कि कोई भी गरीब कोई ऐसा ना हो जो कि मेरे से यहाँ से छूट जाए, तो वो सबकी हेल्प करती हैं और सबको देती हैं। वो मैं उनका बहुत बहुत दिल से तह दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राधिमा जी, इस दर से जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा, जिसका साक्षात उदाहरण आज हमने देखा कि किस तरह दिव्यांगों की आज मदद की गई, ट्राई साइकिल देखे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने अपने दिल्ली चैरिटी सोसाइटी से एक व्हीलचेयर दी है जरूरतमंद को। उसके बाद माता जी ने आगे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। ये भव्य नजारा दिल्ली के रमेश नगर में स्थित दिल्ली का राजा के सौजन्य से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया था, जहां श्री राधे माँ जी के पहुंचते ही मानो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग गए हों। पूरा पंडाल राधे माँ जी के जयकारों से गूंज उठा। पंडाल में उपस्थित प्रत्येक भक्तगण माता जी के दिव्य दर्शन पाके भाव विभोर हो उठे। हर कोई माता जी की सुंदर काया को देख स्तब्ध रह गया। सर्वप्रथम श्री राधे माँ जी ईश्वर के सम्मुख नतमस्तक हुई और उसके उपरांत माता जी ने सभी का मार्गदर्शन भी किया।
रहीम का भी क्या करें जो नमस्ते का जवाब दे। देश को जिसने लूटा औरंगजेब, उसके नाम से सड़कें बनी हुई है, बताओ क्या करें। और जो बना कर गए लाल किला किसने बनाया? हमारे बच्चों को पढ़ाया गया मुगलों ने बनाया, लेकिन लाल किला भी हिंदू राजा ने बनाया था जिसका नाम क्रोमर। कई लोगों को राम का नाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें बता दूं जो नाम लाने राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिना दे जो भक्त हो महाकाल का। दोनों हाथ उठा कर कहना जो मनुष्य बनते बोलो में भी आपका भव्य स्वागत हुआ वहाँ पे, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालुओं ने मतलब पूरे हृदय से आपका स्वागत किया। हाँ, उन्होंने इनविटेशन दिया था तो मैं भक्तवत्सल हूँ, जो भी कोई श्रद्धा से बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मेरे को, मैं मटीरियलिस्ट नहीं हूँ, मेरे को श्रद्धा और भाव बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो मैं फिर उनको निराश नहीं करती, मैं जरूर जाती हूँ। बहरहाल हमारा सफर अभी यही खत्म नहीं हुआ, इसके उपरांत माताजी का काफिला निकल पड़ा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 की ओर, जहाँ भगवती माताजी का भव्य जागरण आयोजित किया गया था। और यहाँ पहले से ही समस्त भक्तगण श्री राधे माँ जी के इंतजार में व्याकुल दिखे। जैसे ही माताजी के पावन चरण पूजा स्थल पे पड़े, मानो सभी भक्तों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो उठा। हर तरफ माता जी के जयकारों से पूरा पंडाल ही राधे माँ में हो उठा। माता जी का सुंदर स्वरूप देख सभी भक्तगण नतमस्तक हो उठे और माता जी की भक्ति में लीन हो गए।
और राहुल ने मुझे इनवाइट किया है जागरण पे, तो मैं भक्त वत्सल हूँ। जब राधे माँ को कोई श्रद्धा से बुलाता है, मैं ना पैसे के पीछे हूँ, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं हूँ, मैं मटेरियलिस्ट नहीं हूँ। तो जब इसकी मैंने श्रद्धा देखी तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, जबकि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आई एम वेरी टायर्ड, फिर भी मैं आई। तो राहुल के साथ जो सेवादार भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बहुत ब्लेसिंग करती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। और एक बात कहना चाहती हूँ, किसी को शिवलिंग में भी पत्थर दिखाई देता है, किसी को शिवलिंग में भी पत्थर दिखाई देता है, किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखाई देता है। काम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयो न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। एक माई थी, वो चरखा चलाती थी और राम 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 का जप करती थी। भाई ऐसा ना करो यार, भगवान तो बड़े भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो एक संत थे, प्योर एंड पायस, मन को सोधे तन को सोधे, सोधे सकल शरीर, दया धर्म की कफनी पहने, सोई असल फकीर। जिन्होंने मन को सोध लिया और अपने काम को सोध लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्होंने इन चीजों पे अपना डाल दिया है, इसमें तपा दिया और पकड़ हुए हैं संसार के लिए, जगत कल्याण हेतु, तो गृहस्थ में रह के भी जो फक्कड़ है जगत कल्याण हेतु, ऐसे संतों को, एक भक्त उनका डिवोटी था, वो रोज माई के पास जाता, वो कहता, उसने कहा महाराज जी एक माई है, वो बहुत भक्तनी है, वो राम राम जपती रहती है गली में बैठ के, और पूनिया काटती है ऐसे ऐसे, यू नो दैट रूइंग की, बहुत भक्तनीय संत पूर्ण, पूरे गुरु का सुन उपदेश, नानक पूरे के संग पूरे ले, कितने वो भक्ति नहीं। जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत काम होते हैं, शांत होते हैं, वो पहचान जाते हैं रूह को, कितने वो भक्त नहीं है। कहते जाओ, फिर वो डिबेट करता अपने सतगुरु से, नहीं गुरु जी, सतगुरु वो बहुत बड़ी भक्त है। कहते जाओ, वो समझ गए कि मेरा भक्त डिवोटी मेरे साथ डिबेट कर रहा है, इससे डिबेट करने का फायदा नहीं, उसको जाके बोलो। कहते उसको जाके बोलो, सुई के नक्के में से पहाड़ निकल रहे हैं, इट्स मीन नीडल के शेक में से पहाड़ निकल गए। कहती नो, ऐसे कैसे हो सकता है कि सुई के नक्के में से पहाड़ निकले। कहते संतों के पास जब गया, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो संतों की निंदा करता है, कहते वो हत्यारा होता है, उसको परमेश्वर सजा देते हैं। हमें क्या, कोई कुछ भी करे, हमें अपनी करनी अच्छी करनी है। दूसरों को हम क्यों देखें, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, दूसरों को नहीं कहना। जितने भी संसार में आए, किसी ने उसको नहीं अपनाया। हमें ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या दोष है। दूसरे के दोषों को देखने से पहले हमने ये देखना है क्या हम कितने अच्छे हैं। तो
उसने कहा चल चल जा जा, किड़े तेरे संतों ने बताया है कि नीडल के नखे में से पहाड़ निकल रहे हैं? नो नो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने संतों के पास जाके, सतगुरु के पास जाके कहता है कि माई ने ऐसे कहा है। तो कहता वो एक वो उसका बिजनेस है पहाड़ के ऊपर, एक उसका बिजनेस है वो। देखो हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे तक हमें कहे ना कोई। जो भी सृष्टि में हो रहा है सब उस निरंकार के हुक्म के अंदर हो रहा है। जो जो जिस जिस की उसने ड्यूटी लगाई है वो कर रहा है, इसलिए कसूरवार कोई नहीं। तो वो बकरे काटने का काम करता है, उसको जाके बोलो कि नीडल के नक्के में से पहाड़ निकल रहे हैं। कहता है एवरी थिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड, कहता वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो चाहे अंधे को आंखें मिल सकती है, वो चाहे तो गुंगा राग गा सकता है। तो फिर जब उसने जाके कहा तो वो कहते बात विश्वास की है। जब तक उसको विश्वास ही नहीं परमेश्वर के पति, तो तब तक वो भक्त कैसे है? भक्त वो जिसको विश्वास है। एक लभदे फिरदे मोहन नु, एक लभिया शाम गवा लेंदे, एक मंदरों खाली मुड़ोंदे, एक अंदरों ही रब नु पा लेंदे। जनता जनार्दन है, पता नहीं कहाँ किस रूप में आके प्रभु हमारा कल्याण कर जाए। हम अपने अहंकार में फंसे रहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन मैं माँ राधे माँ, मैं हूँ राधे माँ। दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। Yeah. Yeah.